वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एवरीवन। क्या हाल चाल आप सब लोग के? आई होप सब बढ़िया हो गए। मैं पिछले 2-3 महीने से गायब हूँ, मुझे पता है। घर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज चल रही थी। वो वॉल दिख रही होगी, वॉल भी रिसेंटली करवाई है मैंने। और दूसरी मेन न्यूज़, मेरी शादी हो गई है और अब थोड़ा वीडियोज़ में भाई हो जाता ऊपर नीचे, थोड़ा सा उसको भी टाइम देने लगता है। तो शादी हुई थी फरवरी में, अभी मार्च एंड आ गया है। आज कितनी शायद 22 तारीख है, मैं भी जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 से 23 तारीख होगी शायद। हाँ 23 तारीख है। तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी साइकिल पे काम, क्योंकि शादी के चक्कर में ना एक्सरसाइज हुई और ना इधर उधर ना। और भाई खाली मेरी नहीं, मेरी कज़न की भी शादी थी और 2-3 शादियाँ और अटेंड करी थी मैंने। तो घर पर मिठाइयाँ बहुत सारी आ गई थी, तो मिठाइयों के चल के थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ गया मेरा। तो दूसरा मेन रीज़न ये भी है साइकिल पे काम करने का, क्योंकि मेरे को भाई सुबह पे साइकिलिंग स्टार्ट करना है। एटलीस्ट 5-10 किलोमीटर्स मैं ज़रूर साइकिलिंग करूँ, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस करूँ। तो साइकिल में छोटा सा इशू है कि इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये लूज़ है। जब भी ब्रेकिंग वगैरह करता हूँ या फिर जंप्स में खड्डों में जाता हूँ कई बार, तो बार बार यहाँ से हिलता है, वो कट 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 आवाज़ करता है, उसमें प्ले बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, रोड रोड पर इधर उधर जाना है, पर अब मैं अगर डेली साइकिलिंग करूँ तो इंडियन कंडीशन का सबको पता है रोड हमारे यहाँ के अच्छे नहीं है। मेरे एरिया में तो खासकर भाई मेरा रोड, मेरे इधर का जो मेन रोड है वो बहुत ख़राब है, पता नहीं किस रीजन से साला बन भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो ये रीज़न है। और एक मेरे को अपना सस्पेंशन सर्विस करना था। 2018 में मैंने साइकिल ली थी और आज तक कभी सस्पेंशन सर्विस नहीं किया, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह है और वो पहले इतना अच्छा मूव भी नहीं करता। तो एक और काम ये था, बाकी नॉर्मल ऑयलिंग है वो तो भाई मैं आफ्टर द वीडियो भी कर लूँगा। मेन यही है कि आज मैं सस्पेंशन का काम करना और एक कॉन्सेट का काम करना है। मैंने कॉन्सेट का पहले भी काम किया हुआ है तो मेरे को अच्छे से आता है, मैंने साइकिल डिसअसेंबल करके पूरी असेंबल भी कर रखी है पहले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है आगे का। मेरे पास ये एक बेसिक टूल किट है, ये मल्टी टूल किट है, इसमें अलग अलग तरह के आपके रैचेट्स और सारे तरह के टूल्स होते हैं जो भी बाइक्स और साइकिल्स को खोलने के लिए चाहिए। साइकिल में मेनली ज़्यादा तो एलन की बोल्ट है मेरी में, तो और कुछ जो रैचेट्स हैं वो भी मेरे पास चाबी पाने रखे हैं। पर आज जो काम है मेन चाबी पानों का नहीं है, मेन तो टूल बॉक्स ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर एलन की बोल्ट ही खोलने हैं अपनी साइकिल के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो खोलना है वो है इसका हैंडल, क्योंकि मुझे सस्पेंशन निकालना है, सस्पेंशन भी सर्विस करना है, तो उसके लिए मुझे इसका सबसे पहले हैंडल खोलना पड़ेगा। तो मैं टी खोलूँगा सबसे पहले। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी टी का जो 2 बोल्ट्स हैं उनमें से एक बोल्ट थोड़ा जंग लाके फंसा हुआ है, वो खुल नहीं रहा। तो मैंने ऑलरेडी पिछले 3-4 इंच पे स्प्रे करके रखा हुआ, अगर वो लूज़ हो गया होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खोलने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। एक बोल्ट लूज़ है तो देखते हैं कितना खुलता है पहले। सो हमारी टी का एक बोल्ट निकला है। मैं इसको कलेक्ट करने के लिए यार क्या यूज़ करूँ, क्योंकि बोल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम खोल रहे हो तो बोल्ट्स को बिल्कुल संभाल के रखना, कहीं पे भी मिसप्लेस मत कर देना। मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार बोल्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और मिलते भी नहीं बाद में जल्दी। तो मेरे पास एक पुराना स्प्रे कैन था, उसका ढक्कन यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेरे सारे बोल्ट्स इसमें स्टोर करके रखूँगा। भाई अगर कोई पहली बार कर रहा है तो अच्छे से बोल्ट्स रिमेंबर कर लेना, नहीं तो फोटोज भी खींच लेना कौन सा बोल्ट कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि कई बार साइज और लेंथ छोटे बड़े होते हैं तो आप भूल जाओगे कि बोल्ट्स कहाँ पर लगे हुए थे। ठीक है, तो पक्का ध्यान से ओपन करना। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे नीचे वाला बोल्ट है एक, तो बोल्ट भी खराब हो रखा है, तो थोड़ा इशू आने वाला है उसको ओपन करने में। सो अभी सीन ऐसा है कि मेरी जो टी है उसके स्टेम का नीचे वाला बोल्ट के जो थ्रेड्स होते हैं, मतलब जो बोल्ट थ्रेड होते हैं एलेंकी के, वो ख़राब हो चुके हैं। और क्योंकि मैंने पहले भी खोलने का ट्राई किया था, वो पहले भी ख़राब थे और बोल्ट बहुत ज़्यादा जंग की वजह से टाइट हो रखा था। अभी कुछ जुगाड़ मार के इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, तो इसको मिलता हूँ आप लोगों को इसको खोल के और बताता हूँ कि कैसे खुला है मेरा ये। ठीक है, हाँ तो भाई वो बोल्ट नहीं खुला, मैंने सारी मेहनत करके देख ली और अभी जैसे तुम देखते हो मैंने हैंडल वगैरह वापस लगा दिया साइकिल के अंदर, क्योंकि मैं इसको लेके जा रहा हूँ मेरे उस मैकेनिक भैया के पास जो जिससे मैं सारा बाइक का काम करवाता हूँ नॉर्मली, मोस्ट ऑफ जितना भी सर्विसिंग वगैरह या फिर कुछ ऊपर नीचे या काम जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तो इसको भी उसी के पास लेके जा रहा हूँ, मैंने तो उससे बात नहीं करी है, पर मेरे पास एक चांस है कि वो उस बोल्ट को ओपन करने में हेल्प कर देंगे। बस वो बोल्ट खोलना है, उसके बाद कोई बड़ा काम नहीं है। तो जब थ्रेड्स कट जाते हैं तो भाई
थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी जा रहा हूँ उनके पास, आगे की वीडियो वहाँ जाए कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों को मिलते हैं वहाँ पे। हाँ तो भाई अभी थे मैकेनिक भैया के पास और मुझे आए यहाँ पे काफ़ी देर हो गई है और हमारा ये बोल्ट खुला नहीं, यहाँ पे खोलने का जुगाड़ नहीं था और वेल्डिंग वाला छुट्टी पे था, वो होली के बाद आएगा, वो गया हुआ है। तब तक हमने इसके सस्पेंशन खोल लिए थे ऊपर से, ये वाला आराम से खुल गया, इसको खोलने में बड़ी मेहनत हुई, चोट मार के खोलना पड़ा उसको, और ये काम किया हमारे इन भाई साहब ने, चोट मार के और क्या, चोट नहीं मारी, कितनी हथौड़ियाँ मारी हैं, दो जरा सा हल्का सा बैंड हुआ है, पर बाहर बाहर का एरिया है, फोकस लेगा एक ले भाई फोकस, हाथ पे फोकस नहीं करा सब जगह फोकस, यहाँ से ये बैंड हुआ हल्का सा, पर ये खुल गया, ये लेफ्ट साइड का एरिया है ये पूरा, और राइट साइड में ये सारे पार्ट निकले थे इसके, अभी पूरी सेंशन फोक बाहर निकालेंगे तो पूरे क्लीन करेंगे वापस रखेंगे। हाँ तो भाई जो ये छोटे छोटे पीस देख रहे हो, ये हमारी लेफ्ट साइड सस्पेंशन जो आम है इसके अंदर टूटे हुए थे, प्लास्टिक के पीस हैं तो ओवर द टाइम डिग्रेड हो गए, प्लास्टिक सूख के टूट गए होंगे, तो इसी वजह से सस्पेंशन बीच में कई बार फंसता था, अच्छे से वर्क नहीं करता था। भाई देख लेना अगर तुम्हारा भी इस तरह का सस्पेंशन है तो क्या पता अंदर कोई पार्ट टूटा हो। अभी सस्पेंशन पूरा रिमूव करके सर सील्स वगैरह सारी क्लीन करके वापस फिट कर दिया है, अब बचे हैं स्प्रिंग्स डालने जो कि हैं ये वाले, अब ये है इस स्प्रिंग की कवर और नीचे गिर गई, वाह, तो पहले इसमें ग्रीसिंग होगी फिर ये चढ़ेगी और ये अंदर जाएगा उसके, तो ये करते हैं उसके बाद सस्पेंशन को फिट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। हाँ तो भाई नया ग्रीस लगा के इसको रेडी कर दिया गया है, अभी इसको सस्पेंशन में डालेंगे और ये कुछ ऐसे जाएगा इसके अंदर, उसके ऊपर जाएगा ये और फिर इनके ऊपर जाएगा ये, बट इसको लगाने के लिए एक तो इसको पहले बिल्कुल लूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल अंदर रहेगा तो ईजी रहेगा, और आपको थोड़ा सा है ना सस्पेंशन ऐसे बाहर को खींचना पड़ेगा, बोल करके दिखाता हूँ यार, एक भी हाथ के अंदर ही है, फिर हम इसको रख लेते हैं ताकि आप सबको थोड़ा सा व्यू मिल जाए, चल क्या रहा है, थोड़ा सा ऐसे बाहर खींचो और फिर इस बोल्ट को लूज कर लो, ये हमारा प्री लोड का बोल्ट है ना इसीलिए इसका से पूरी तरह से लूज कर लोगे, ध्यान रखना ये एक ओरिंग सील होती है, इसको बिल्कुल ऊपर रखना है, यहाँ से टाइट कर लो, ये मैंने एक स्पेशल टूल मंगाया था, ये टीथ होते हैं जो बिल्कुल इसके टीथ के साइज़ के होते हैं, पर ये बहुत ही बेकार क्वालिटी का, अरे 10 रुपये का पड़ा है मुझे इतना, तो एलमुनियम है एकदम रद्दी क्वालिटी है, खोलते खोलते ये हाथ से, इससे मैंने सिर्फ पकड़ा हुआ था, ये जब भी से टूट गया भाई, इस तरह का टूल में इन्वेस्ट नहीं करो, कुछ और तरीका ढूंढ लेना खोलने का, हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट और कुछ निकल ही गया, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाएंगे और इसको वापस फिट करेंगे, और जैसे कि स्प्रिंग को यहाँ से अंदर डालना है और इसके ऊपर लगता है ये छोटा सा पार्ट इसके अंदर जाता है, तो इस पर भी अच्छे से ग्रीस लगा देंगे हम ताकि ये अच्छा एंड फ्रीली मूव करें अंदर, ये हमारा लॉक का मैकेनिज्म है, और एंड पार्टी है ये लॉक मैकेनिज्म मूव करने के लिए यूज़ होता है, थोड़ा सा इस पर भी लगा देंगे ताकि ये टीथ आराम से मूव करें इसके,
हाँ तो भाई दोनों सस्पेंशन फोर्क अच्छे लग गए। अब मैं जरा टायर और ब्रेक फिट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ तो भाई ये हो गई कंप्लीट, सस्पेंशन एकदम ओके वर्क कर रहे हैं, एकदम स्मूथ हो गए हैं, पहले मुकाबले काफ़ी सही हो गए हैं। ब्रेक दोबारा मैंने सेट कर लिए, बस साइकिल को सिर्फ सफाई की जरूरत है, जो घर जाके कर लेंगे हम। तो इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने थोड़ी हेल्प करी टूल खोलने में। और हाँ, एक साइड का बोल्ट जगह वाला इन्होंने खोला, ये साइड मैंने खोली थी, उधर वाली इन्होंने खोली है, तो भाई मेरे से नहीं खुली वो। तो भाई ये वीडियो यहीं तक। ऊपर का जो इसका स्टेम बोल्ट है वो अभी नहीं खुला, हमारा जो लेथ वाला बंदा है खरा दिया है वो यहाँ पे है नहीं, वो होली वगैरह की छुट्टी के लिए बाहर गया हुआ है, तो अभी होली के बाद ही होएगा वो काम। तो जब होली के बाद वो करवाऊंगा तब उसकी अपडेट दे देंगे, और उससे पहले मुझे बाइक में एक और काम करवाना है, मुझे इनके पास ही लेके आनी है बाइक। छोटा मोटा काम हो गया उसमें, काफ़ी टाइम हो गया, मैं लगभग 1.5-2 महीने से बाइक को इधर उधर ज़्यादा किया नहीं था, बस चलाया जा रहा था। आई थिंक उसका इंजन ऑयल भी चेंज होने का टाइम आने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful 'cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you.